कौन है? अच्छा, प्रश्नावली 5.6 हम लोग शुरू किए हैं। प्रश्नावली 5.6 में हम लोगों ने दो क्लास कर लिया है ना, तो उसमें अब जो क्वेश्चन बचा है उसको बताओ, कौन क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग बताते हैं। कौन बचा है जी? किताब दो पहले देखें कौन बचा है। हम कल कौन बताए थे? कल क्वेश्चन बताए थे 7, सन बताया गया था। अब इधर बताओ, 8 से लेकर 11 तक 8, 9, 10, 11 चार क्वेश्चन है, 8 से लेकर 11 तक, इसमें कौन बताने वाला है? बनाया नहीं हो? 9 बन गया सर। 9 बन गया है, कौन बताए तब? हम 8 नंबर देखो, ठीक है, 8 के बाद 11, ठीक है, 8 के बाद 11 ठीक ठाक है। 8 है, x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई टू, यही ना जी? और फिर y इक्वल टू दे रहा है a sin t, y इक्वल टू दे रहा है a sin t, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए, ये समीकरण नंबर आपका हो गया 2। और हमको इसमें करना क्या है? निकालना है dy बाई dx, क्या निकालना है? dy बाई dx। तो जो आपका y वाला फलन है वो भी t के रूप में दे रहा है, x वाला फलन भी किस रूप में दे रहा है? t के रूप में दे रहा है। तो दोनों फलनों का हम सबसे पहले क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और उसके बाद y वाले अवकलन में x वाले अवकलन से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन किया जाए, यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बताइए? dx बाई dt, ये कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ, cos t का अवकलन माइनस साइन टी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, cos t का अवकलन माइनस साइन टी। अब log है, पूरा को कुछ देर के लिए t मानेंगे तो क्या हो जाएगा? log t का होता है 1/t, तो 1/t, t मतलब कि tan t by 2। लेकिन अब जिसको t माने हैं, x जैसा मानते थे ना, तो दोबारा अवकलन करते थे, तो tan का जब अवकलन करेंगे तो फिर इसको एक बार और x मानना पड़ेगा, मतलब t मानना पड़ेगा। तो tan का अवकलन हो जाता है sec स्क्वायर t by 2, लेकिन जब t by 2 का अवकलन करेंगे ना, तो हो जाएगा 1/2। समझा रहा है? दो बार अवकलन हुआ है, एक बार log का तो ही पूरा को t माने हैं, एक बार tan का तो इसको t माने हैं, और जब इसको t माने तो t का अवकलन 1 हो जाता है, 1/2 हो गया। अब थोड़ा सा व्यवस्थित कर दीजिए इसको, dx बाई dt बराबर, देखो ध्यान से, dx बाई dt क्या किया जाए? a पहले रख दे क्या उसको, देखिए माइनस साइन टी आ प्लस सेक स्क्वायर टी बटा 2 tan t/2 है, तो सेक स्क्वायर टी बाई टू ऊपर वाला है, और 1/2 नीचे 2 से गुणा हो जाएगा, टी बटा 4 नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ कटने वाला है इसमें। टेन को अगर हम चेंज किया जाए, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, कटने वाला होगा तो कटेगा, नहीं तो छोड़ देंगे, माइनस साइन टी, ठीक है, प्लस सेक को अगर नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, कहाँ पर टेन का अवकलन क्या होता है? हाँ, यहाँ पर ठीक नीचे, यहाँ पर t. अच्छा अच्छा ये गलत हो रहा है, हाँ t बाई टू होगा, देखो मिस्टेक हुआ था, t बाई टू होगा, सही है, t बाई टू होगा। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इसको अगर चाहे नीचे करना तो 1/cos स्क्वायर t बाई टू कर सकते हैं, क्यों जी? और नीचे ही tan है, अरे tan तो नीचे में ना है, अच्छा आगे 2 है तो 2 रहने दीजिए,
ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर वन, थोड़ा ध्यान से देखना है, sec स्क्वायर टू को कहाँ ले गए, नीचे, cos स्क्वायर टी बाई टू हो गया, टू आगे है वो है। अच्छा tan का जब हम वो करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, तोड़ते हैं ना, तो होता है sin t बाई टू बटे cos t बाई टू, तो cos t बाई टू से इसमें का एक वो cos t बाई टू कटेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, डी एक्स बाई डी टी, ध्यान से देखिए क्या बचेगा, आगे माइनस साइन टी है तो ए पहले है, माइनस साइन टी क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए, वन बटा टू कॉस टी बाई टू और साइन टी बाई टू, तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस वन बाई टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, हाँ फार्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस वन बाई केवल साइन टी हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, फार्मूला होता है साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा कॉस थीटा, इन होता है, तो अगर अगर हम हाफ एंगल में फार्मूला लें, हाफ एंगल में, तो यहाँ पर देखिए थीटा के बदले में कौन आ रहा है, टी बाई टू आ रहा है ना, टी बाई टू, और फिर से क्या आ रहा है, टी बाई टू, तो ये आगे चल के टू और थीटा, थीटा बने टी बाई टू ना बनेगा, तो टू से टू कट नहीं जाएगा, समझ आ रहा है, तो वही फार्मूला लगा है, तो साइन टी हो गया है। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको और व्यवस्थित करें, और व्यवस्थित क्या कर रहे हैं, इसको आगे लिख दे रहे हैं वन बाई साइन टी, आई पीछे लिख दे रहे हैं माइनस साइन टी, कोई दिक्कत इसमें है, उड़ने न रहा है, ये फार्मूला इस तरह से होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा, तो मान रख दो थीटा के बदले में कौन है टी बाई टू, तो टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, तो साइन टू इन टू टी बाई टू होगा, टू से टू कट जाएगा, साइन टी बचेगा, थोड़ा सा प्लस था तो आगे ले लिया, माइनस वाले कहाँ कर दिए हैं पीछे, अब हो गया डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए, तिरक गुणा कर दीजिए साइन स्क्वायर टी, तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी बटे साइन टी, और सभी लोग जानते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, फार्मूला पता है ना, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी, वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी, आप पूरा का बटा साइन टी, ठीक है। अब चाहे तो ए आई में से ए गो कॉस टी आ साइन टी, एक कॉस आ इसमें का साइन कॉट टी हो जाएगा, अब उसके बाद से क्या बच गया कॉस टी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ए इसमें का कॉस टी अब बटे साइन टी, कॉट टी हो गया, इसमें से वो कॉस टी बचेगा ना, हो गया वहां पर, ये क्या निकला डी एक्स बाई डी टी, समीकरण नंबर तीन। अब देखिए इसका तो एक लाइन का अवकलन है, समीकरण दो का अवकलन कर दीजिए, समीकरण दो का टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट और साइन टी का अवकलन कॉस टी, समीकरण नंबर चार। अब क्या करेंगे, भाग कर दें, यहाँ भाग कर दें, यहाँ पर समीकरण तीन तथा चार से, तीन तथा चार से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बटा डी एक्स बाई डी टी, भाग करेंगे ना, तो डी वाई बाई डी टी कितना है ए कॉस टी, ए कॉस टी बटा डी एक्स बाई डी टी कितना है ए कॉट टी, ए कॉट टी, और फिर से देखिए कॉस टी है ना, तो ए से ए कैंसिल, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, अच्छा वन बाई कॉट टी हो रहा है, डी टी से डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई कॉट बच रहा है ना, तो वन बाई कॉट तो टेन होता है,
टेन टी, उत्तर कितना आ गया टेन टी। ठीक है लिखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि x इक्वल टू, देख लीजिए x इक्वल टू रूट में कितना a साइन इनवर्स t, a साइन इनवर्स t, और इसको इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए, और b जो है दे रहा है मतलब कि जो y है वो दे रहा है a, इसका पावर है ना जी, a का पावर कॉस इनवर्स t। तो ये समीकरण 2 मान लीजिए, ये दो फलन दे रहा है और क्या दर्शाना है, सिद्ध करना है कि dy by dx, dy by dx इक्वल टू माइनस y बटा x, ये हमको सिद्ध करना है, dy by dx इक्वल टू माइनस y बटा x। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे ना समीकरण 1 का, तो समीकरण 1 का अवकलन करने के लिए इसको क्या करते हैं ना कि log ले लेते हैं, जानते हैं कारण क्या है कि a का पावर है, a का पावर, अच्छा नहीं करेंगे तभी हो जाएगा, बिना लॉग लिए भी हो जाएगा, ए का पावर एक्स का सूत्र जानते हैं ना हम लोग, ए टू दी पावर एक्स का सूत्र जानते हैं, हो जाएगा उससे बिना लॉग लिए। तो समीकरण 1 का पहले अवकलन करते हैं, तो समीकरण 1 का किसके सापेक्ष अवकलन होगा, टी के सापेक्ष ना, टी के रूप में है, तो समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, भाई अंदर वाला पूरा को क्या मान लें, एक्स मान लें, तो पूरा को एक्स मानेंगे तो फार्मूला होता है 1/2√x, मतलब कि जो है वही a पावर साइन इनवर्स t। ठीक है 1/2√x, अब जिसको हम x माने हैं माने जिसको t माने हैं उसका दोबारा अवकलन करेंगे, तो एक बार हम इसको लिख देते हैं d बाई डी टी ऑफ क्या a टू दी पावर साइन इनवर्स t, एक बार लिख देते हैं दोबारा हम लोग अवकलन कर लेंगे, तो 1/2 रूट में a के पावर साइन इनवर्स t। अच्छा अभी पूरा को क्या मानेंगे, x मानेंगे ना, तो a टू दी पावर x का अवकलन क्या होता है a टू दी पावर x, देखिए ये सूत्र होता है d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x, फार्मूला क्या होता है a टू दी पावर x log बेस ई ए, ये ना होता है, तो उसी हिसाब से a का पावर पूरा किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, तो a टू दी पावर x का तो अवकलन a टू दी पावर x होता ही है, मतलब कि साइन इनवर्स t, लेकिन इसको हम x मान रहे हैं ना, रुक जा रुक जा, अभी एक बार अवकलन करते हैं, इसको x मानिए, a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर x log बेस ई ए, तो लिख एक बार लिखा जाएगा log बेस ई ए, एक बार अवकलन हो गया ना, अब इसी को ना t माने हैं जी, t चाहे x जो भी आप मान लीजिए, इसी को t माने हैं, तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे, तो साइन इनवर्स t का पता है ना 1/√(1 − t²) बोला नहीं ना है, समझा रहा है कैसे किए हैं, सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले हम पूरा को x मान लिए हैं, तो अंदर वाले को पूरा के x माने हैं, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का होता है 1/2√(x), तो फार्मूला लगे 1/2√(x), लेकिन जिसको x माने उसका दोबारा अवकलन होता है ना, तो अंदर वाले को x माने हैं, इसका दोबारा अवकलन लिख दिए, अब लिखे हैं तो एक बार अवकलन किए हैं, तो ये उतर गया हमारा यहाँ पर, और a टू दी पावर हम x का सूत्र जानते हैं, मैंने है पूरा किसका काम कर रहा है x का, तो a टू दी पावर x का फार्मूला क्या होता है a टू दी पावर x, वही चीज ठीक है log बेस ई ए, तो log log बेस ई ए, इतना ठीक है, अब चूंकि इसको ने x माने हैं तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/√(1 − t²), थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर ले जाए, चार रहने दीजिए ऐसे ही जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, डी एक्स बाई डी टी, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया दो, दो नहीं थ्री हो गया, अब दोबारा अवकलन किसका करते हैं समीकरण 2 का, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है टी के सापेक्ष अवकलन कीजिए क्या मिलेगा dy by dt, सेम चीज यहां भी होगा
भाई पूरा वाला को क्या मानेंगे, पूरा को x जैसा ट्रीट करेंगे, पूरा को क्या मानेंगे x, तो रूट में x का अवकलन होता है 1 बाई टू रूट एक्स, ये भी हो जाएगा 1 बाई टू रूट एक्स, मतलब कि a के पावर a टू द पावर cos इनवर्स t, ठीक है। लेकिन दोबारा अवकलन करना पड़ेगा ना, d बाई डी एक्स ऑफ a के पावर cos इनवर्स t, है मिटा देना सब। मिटा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए डी वाई बाई डी टी वन बाई टू रूट में ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। अब देखिए अब ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी का अवकलन करना है, तो इस पूरा को कुछ देर के लिए क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, तो ए टू दी पावर एक्स का अवकलन होता है ए टू दी पावर एक्स, मतलब कि ए के पावर कॉस इनवर्स टी, और लॉग बेस ई ए, ए इसलिए क्योंकि यहाँ भी आपका जो बेस है वो क्या है, ए है, ठीक है। माइनस क्यों, हाँ कॉस इनवर्स टी का हम लोग अवकलन करेंगे, तो कॉस इनवर्स टी का होता है माइनस वन बाई रूट में वन माइनस टी स्क्वायर, ऊपर माइनस ध्यान रखिएगा, इतना ठीक है। इसको समीकरण क्या दे देते हैं, चार। अब भाग कीजिए, समीकरण चार भगा तीन से, चार में ही हम तीन से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि वाई वाला हमको ऊपर रखना है और एक्स वाला कहाँ रखना है, नीचे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी पूरा का बटा डी एक्स बाई डी टी। देखिए ये हमारा मेन बटा है, ऊपर लिखिए डी वाई वाला क्या आया है, वन बाई टू रूट ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। लॉग बेस ई ए माइनस वन बाई है रूट में वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। नीचे देखिए वन बाई टू ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, देखिए ए ना जी डी एक्स वाई डी टी, अरे क्या है यहाँ पर है डी एक्स वाई डी टी, ये हो गया है, लिख दिए ए के पावर साइन इनवर्स टी, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी लॉग बेस ई ए वन बाई रूट में वन माइनस टी स्क्वायर। ये पूरा चीज ना इस पूरा से कट गया, बस यहाँ पर माइनस एक बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बना हुआ है माइनस वन। अब थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, जितना यह है उतना ही तो यह है, अंतर क्या है कि ये रूट में है, ये रूट से बाहर है, ये रूट में है, ये रूट से बाहर है, मतलब इसको रूट में लिखना वाला दो बार लिख सकते हैं, कितना बार लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, दो जब अच्छा दो से दो कट गया, दो से कट गया ना, सोचो यहाँ टी डी टी से डी टी कट गया, क्या बचा डी वाई बाई, जैसे कहीं पर अगर इस तरह होता है ना वन बाई रूट टू आई जा होता है टू, तो हम लोग क्या करते हैं हमें लिख देते हैं रूट टू इंटू रूट टू, आई वो से वो काट देते हैं वो बच जाता है ना, क्या वैसे नहीं बचेगा यहाँ पर, बचेगा यही चीज रूट में है, यही चीज बिना रूट का है, मतलब आराम से इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, आ एक रूट में बच जाएगा ऊपर बचा दे सीधे, तो उस हिसाब से यहाँ पर काटेंगे अगर तो क्या बचेगा बताइए, रूट में बचेगा ए पावर कॉस इनवर्स टी बटा, ये तो हो गया ना ऊपर निपट गया, आ ये रूट से इसमें का एक रूट वाला कटेगा तो एक और रूट वाला बचेगा ना, क्या बचेगा a टू दी पावर साइन इनवर्स t, ये लॉजिक समझ में आ रहा है, दोनों बराबर है ना, है इसमें ऐसा ऐसा ना दो गो रूट टू है, दो गो रूट है, तो एक रूट से एक रूट वाला क्या हो गया कट गया, आगे माइनस लग जाएगा कहाँ वाला है, यहाँ जो बचा था वो। अब देखिएगा a टू दी पावर कॉस इनवर्स t क्या है, a टू दी पावर कॉस इनवर्स t रूट में, ये तो y है, आगे माइनस है, ऊपर वाला y है बटा, नीचे वाला a टू दी पावर साइन इनवर्स t है ना, ये क्या है x है, देखिएगा आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस वाई बटा एक्स के बराबर। थोड़ा यहाँ जरूर समझना, दो बार रूट इसको रूट में लिखेंगे ना, ये चीज़ को बार लिखना पड़ेगा, दो बार लिखना पड़ेगा, तो एक बार का रूट से एक बार से कट जाएगा आराम से, और इस तरह से हम लोग का प्रूव हो गया और ये एक्सरसाइज भी समाप्त हुआ। इसके बाद द्वितीय कोटि का अवकलन हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन, क्यों